आज हम लोग को फिर देखना है फिजिक्स में देखना है विज्ञान के बारे, फिजिक्स में विज्ञान के बारे में देखना है कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले आज आइए हम लोग देखते हैं, फिजिक्स में सबसे पहले आज देखना हम लोग को कि विज्ञान क्या है। आइए हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं विज्ञान क्या है। इससे पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बताया जा चुका है आप लोग को, ठीक है, कि विज्ञान सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें विज्ञान के बारे में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करनी है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिए, सावधानी पूर्वक तथा क्रम बद्ध तरीके सावधानीपूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए सावधानीपूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए सावधानीपूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं विज्ञान कहते हैं। सावधानीपूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं विज्ञान कहते हैं। अब देखिए विज्ञान जो है हम लोग दो चीज पर ही आधारित है, ध्यान रखिएगा। सावधानीपूर्वक यहाँ पर क्या लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है ना, और वहाँ पर प्रयोग होता है और क्या है परीक्षण होता है। यानी हम लोग को चार वो चीज़ को महत्वपूर्ण ध्यान देना है। सावधानीपूर्वक क्या करना है हम लोग को क्रमबद्ध तरीके से, उसके बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे प्रयोग करेंगे और उसका परीक्षण करेंगे, तब उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यही विज्ञान है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे विज्ञान बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे विज्ञान बोलेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा विज्ञान जो होता है, ठीक है ना, विज्ञान के दो प्रमुख शाखाएं क्या क्या हो जाएगा, शाखाएं आप लोग बता सकते हैं। एक नंबर में हो जाएगा भौतिक विज्ञान, क्या हो जाएगा भौतिक विज्ञान हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा जीव विज्ञान। अब आप लोग से एक चीज हम पूछ रहे हैं, भौतिक विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है। देखिए भौतिक विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में मैं आप लोग को विस्तारपूर्वक बताता हूँ। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखो आप इस पर बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं और यहीं से यह क्लियर होते जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको दो पार्टों में हम यहीं पे बांट देते हैं, कौन कौन है भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक था भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या हो गया था यहाँ पे जीव विज्ञान। अब आप लोग से कोई पूछेगा
भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान के दो को शाखा होता है, सॉरी भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांट दिया गया। भौतिक विज्ञान कितना है? भौतिक विज्ञान का दो को पाठ हो जाता है, एक पाठ हो जाएगा भौतिकी, दूसरा का हो जाएगा रसायन, ठीक है। और यहाँ पे जीव विज्ञान का भी दो वर्ग में बांट दिया जाता है, एक हो जाएगा वनस्पति विज्ञान और दूसरा का हो जाता है प्राणी विज्ञान। आप यहाँ रखिएगा क्या है इसके बारे में, अब इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे विज्ञान को दो को मुख्य शाखा बता दिया गया, भौतिक विज्ञान एक है, एक जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में क्या होता है तो आप लोग देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, लड़का निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर बताया गया है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं या किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए ये भौतिक विज्ञान जो होता है ये दो को होता है, इसका भी दो वर्ग में बांट दिया गया है, एक होता है भौतिक की, दूसरा का होता है रसायन। और ये जीव विज्ञान जो होता है इसको भी दो पार्ट में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, एक होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा का होता है प्राणी विज्ञान। अब मैं आप लोग से बताऊंगा इसको कंप्लीट कर लीजिए लोग। इसको कंप्लीट कर लीजिए। धीरे धीरे आना है बाबू, धीरे धीरे जाना, ठीक है ना। आपका बताया गया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले हम आप लोग को यहाँ पे भौतिक विज्ञान से जो प्राप्त हुआ है उसको बता दे रहे हैं। भौतिक विज्ञान से क्या क्या हम लोग ने लिखा, विज्ञान से क्या क्या हम लोगों ने लिखा, ध्यान रखिएगा यहीं पे हो जाएगा। इसको मैंने लिखा था भौतिकी, आप लोग देखिएगा ना, वो किताब होगा भौतिकी, और तो सर हो जाएगा रसायन, आप लोग ध्यान रखिएगा रसायन। अब इसको हम ये
यही से पाठ बांट देते हैं। भौतिकी क्या है, कोई पूछेगा भौतिकी क्या है, आप लोग क्या बताइएगा, ठीक है ना, लिखिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। अब रसायन क्या है, अब यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे रसायन कहते हैं, रसायन विज्ञान भी कहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भौतिक विज्ञान के दो गो अवस्था होता है, सॉरी भौतिक विज्ञान के कितना है, दो गो पार्ट होता है, एक कौन सा होता है, एक कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है भौतिक, दूसरा क्या होता है, रसायन या रासायनिक, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक। आप यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले सफाई वाला को ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान रखना,
जीव ज्ञान आप लोग बताया गया था, जीव ज्ञान के दो वर्गों में बांट दिया गया था या दो भागों में बांट दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का जीव विज्ञान जो था सबसे पहले हम लोग लिखे थे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा का गया था प्राणी विज्ञान। क्या है ये समझिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति यों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्राणी विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान कहते हैं। ये हम लोग का जीव विज्ञान में क्या क्या आ गया है, जीव विज्ञान में कौन कौन सा आता है, वनस्पति विज्ञान आता है और एक आता है प्राणी विज्ञान आता है, और भौतिक विज्ञान में क्या क्या आता है, एक आता है भौतिकी आता है, दूसरा क्या आता है रसायन आता है। आप लोग यहाँ पे विज्ञान के पूरा बायोडाटा बता दी गई है, फिर इसके बारे में और आगे कल हम बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।